गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग 9 o'clock हो गया है और अभी नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। नाश्ता आ गया है और नाश्ता करके चेकआउट करना पड़ेगा। आज का पूरा व्लॉग ऐसा रहेगा कि हम कैसे जा रहे हैं और किसमें से जा रहे हैं बोल के। अभी हुबली जाके, हुबली से 2:30 को ट्रेन है, तो मे भी हम इधर से निकले तो भी 3 hours का जर्नी रहेगा, तो मुश्किल ही होगा मिलने के लिए, फिर भी ट्राई करेंगे। तो इधर का फूड एक्चुअली बेस्ट था। अभी जाके पूरा पैकिंग करके, अभी पैक करके 11 बजे विकेट करना है। इधर हाफ एन आवर कुछ बचा है हमारे रूम के लिए। देखिए इधर टोटल ओवरऑल हमारा एंड होता है, तो इधर का हॉनेस्ट रिव्यू ये है कि अगर आप आना चाहते हैं तो भी व्हीकल करके आइए, बस में मत आइए, क्योंकि बस का टिकट ही बहुत हो जाएगा। तो हम 3 लोग आए थे, हमको करीबन 2000 तक सिर्फ बस का चार्जेस ही हो गया। लेकिन इधर आने के बाद क्या होता है, इधर से आपको रिजॉर्ट, बस स्टैंड से रिजॉर्ट को आने के लिए गाड़ी चाहिए, रिजॉर्ट से और वाटर एक्टिविटीज़ के लिए जाने के लिए भी आपको व्हीकल चाहिए। इधर व्हीकल प्रोवाइड नहीं करते, वो बोलते हैं हमारा व्हीकल करना है या फिर कैब बुक करना है। तो हम कैब बुक किए थे 2 दिन के लिए भी, 1500 समथिंग पड़ा सिर्फ कैब इधर के लिए। तो उधर का पेट्रोल वगैरह का सभी चार्जेस मंगा के आपके व्हीकल में आए तो इधर का 1500 भी आपका बच सकता है। तो इसलिए मेरा सजेशन और हमारे फ्रेंड भी वही बोल रहे थे कि हमारा खुद का गाड़ी रहेगा तो इधर ओके है, बेस्ट है। तो फिर और एक बात यह है कि मेरे सजेशन के थ्रू इधर का पैकेजेस मत लीजिए, क्योंकि थोड़ा वेस्ट ही होगा, वेस्ट ऑफ मनी होगा। इधर जब हम आए थे हमारा 2000 rupees पड़ा था पर हेड का, 2000 पड़ा था और 1500 व्हीकल का अलग। 2000 में रिजॉर्ट मिलेगा, 3 टाइम का फूड मिलेगा और वाटर एक्टिविटीज़ का, और 1500 सिर्फ रिजॉर्ट का पड़ेगा अगर आप रिजॉर्ट में रहेंगे तो। सजेशन ये है कि अगर आप आए तो वाटर एक्टिविटीज़ के लिए आए तो मॉर्निंग आइए और वाटर एक्टिविटीज़ का खरीदिए, रिजॉर्ट का मत खरीदिए। रिजॉर्ट तो कंप्लीट वेस्ट ही दिखेगा, क्योंकि तो कंप्लीट वेस्ट ही है, क्योंकि इधर वाटर एक्टिविटीज़ खेलने के बाद इधर स्टे होने का रीज़न ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद कुछ करने के लिए नहीं रहता, सिर्फ स्टे होकर मॉर्निंग जाने के लिए 1500 समथिंग एक्स्ट्रा पड़ेगा। अगर इससे हम वाटर पार्क वगैरह सब जाते तो और भी मज़ा आता शायद। चिकट करने का टाइम आ रहा है। इधर एक ब्यूटीफुल सा ट्री हाउस जैसा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, थोड़ा ऊपर करके देखता हूँ। आज ऑब्जर्व किया मैंने, इधर ही ट्री आ गए और इधर से घर चढ़ने के लिए। वाह बहुत ब्यूटीफुल है। कंप्लीट वुड का स्ट्रक्चर दिया है इसके लिए। इसमें गंदा वाला प्रॉब्लम क्या है बोले तो, बैक कैमरा में वॉइस रिकॉग्नाइज नहीं होता, इसलिए बैक कैमरा में बात करना भी मुझे थोड़ा ऑकवर्ड ही लगता है, क्योंकि पता है मोस्ट जगह वॉइस कट हो जाएगा। एक बात बताऊँ तो वीडियोस में उतना ख़ास नहीं लगेगा, जब एक्चुअल में फील करते हैं ना उसका मज़ा ही अलग रहता है। ये कुछ हट जैसा किया है, बाथरूम भी ओके है लेकिन गीज़र काम नहीं करता। तो फाइनली चेकआउट का टाइम आ गया है। अल्लाह तो टाइम आ गया है रिजॉर्ट के अलविदा बोलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।
सागर पे जग जाएंगे लंच करने के लिए। क्लीन नहीं दिख रहा है, क्लीन है तो अच्छा है। बोल रहे हैं तो फिर इधर फास्ट फूड ही कुछ खा लेते हैं लंच के टाइम। जाने में है पर क्या है, अभी आने में रास्ते पे खा रहे हैं। ये प्रोफेशनल रर सेट खाने वाला टेस्ट क्या है? हाँ गाड़ी वगैरह से पकड़ के अभी हमारे गांव पे जाओ।
सीरियसली बहुत मजा आ रहा है। ऑलरेडी 9:15 हो गया है तो 10 बजे शो है जरासिक वर्ल्ड का, तो फाइनली प्लान किए कि मूवी को जाके, मूवी करीबन 1:30 तक ख़त्म होगा। आफ्टर वन मूवी ख़त्म करके ही घर पे जाने के लिए सोच रहे हैं। तो अभी मैं और मेरे भाई दो जने मूवी के लिए जा रहे हैं और मेरा फ्रेंड जो था वो अभी गाँव पर जा रहा है। फिर अभी मूवी के लिए जाके टिकट खरीद के कुछ खा के जाते हैं। तो अब मॉल में आ गए और इसका आने का कुछ भी प्री प्लान नहीं था, अभी डायरेक्ट प्लान करके इधर आ रहे हैं। अभी कुछ लाइट से फैट वाला खा के और मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। अभी फोकस तो एक बजते आ रहा है, ख़त्म हो गया, देख के आ गए। वाह, मूवी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मूवी 100% वाह फालतू, कुछ भी अच्छा नहीं था, बकवास। नॉर्मल जो हमारे टॉलीवुड के आते हैं वो अच्छा है, खास ही नहीं लगा, फुल बकवास लगा मुझे। क्लाइमेक्स अच्छा था, कुछ भी अच्छा नहीं। हम हमारे नेटिव पे जा रहे हैं, ऑलरेडी 1 हो गया है, बस कौन सा है पता भी नहीं, चेक करके जाना पड़ेगा। तो सुनसान रास्ता, बस में तो प्राइवेट बसों में तो एक बस भी नहीं दिख रहा है, प्राइवेट बस स्टॉप में तो कोई बस नहीं है। अभी गवर्नमेंट बस स्टॉप में जाके देखना पड़ेगा कि कोई बस होगा, या मैंगलोर कुंदापुर का कोई बस होगा तो उसमें चढ़ लेंगे। तो नाइट में कौन सा भी बस नहीं था, बहुत सर्च करने के बाद एक बस मिला, वो भी हमारे किस्मत में एक ही बस मिला, तो इसमें ही जा बस हो गया। एक भी बस नहीं मिल रहा था, बहुत सर्च किया। थैंक यू। छोड़े दिख रहे। तो नाइट 3:30 हो गए, अभी जस्ट आके रीच हो गए और अभी घर को पैदल जा रहे हैं, क्योंकि बस हमारे घर के पास ही खड़ा किया था। तो फिर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।